37 क्या? Hey, what's up, Pius Nation? It's your boy Mr. Pius 37 back at again with another new video. Okay, so guys, आज की वीडियो कुछ अलग होने वाली है एंड मेरे YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम कुकिंग रिलेटेड वीडियो होने वाली है। आज की वीडियो में मैं पिज्जा बनाने वाला हूँ, वो भी बिना ईस्ट, बिना पिज्जा बेस और बिना ओवन के। हाँ, आपने सही सुना। सो कैसे बनाना है कैसे नहीं, आप इस वीडियो को देखते रहना। सिर्फ 5 मिनट में आप पिज्जा बना सकते हो घर पर ही। एंड इस वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंड इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। 14 डे 14 व्लॉग्स चैलेंज चालू है, लेकिन थोड़ा बीमार होने की वजह से वीडियो एडिट करने को मैनेज नहीं हो रहा, सो लेट हो रहा है। सो थोड़ा एडजस्ट कर लेना एंड वीडियो आती रहेंगी। दैट्स इट ब्रो। सो गाइस, शुगर पाउडर रेडी हो चुकी है। अब हम लेने वाले हैं मैदा, ऑयल, बेकिंग सोडा, शुगर, नमक, एक कप दही और एक टमाटर। सो गाइस, इसे रखते हैं बाजू में और एक बाउल में अब मैदा डाल के उसमें सभी इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने वाले हैं ताकि हमारा पिज्ज़ा बेस का डो बन जाए, पूरी तरह से रेडी हो जाए। उसके लिए हम सभी इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके एक स्पून से अच्छी तरह से मिक्स करने वाले हैं। उसके बाद हम इसे मसाज करने वाले हैं ताकि हमारा पिज्ज़ा बेस का डो बन जाए एंड इसे पूरी तरह से राउंड बनाना है। सो गाइस, तब तक हम इसे एक बाउल में 20-25 मिनट तक सेट होने के लिए बाजू में रख देते हैं। सो गाइस, व्हाइट सॉस बनाने के लिए हमें एक कप दूध गर्म करना है और दूसरे कढ़ाई में 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच तेल लेना है और इसके साथ दूध को मिक्स करना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है। उसके बाद हमें इसमें एक लहसुन और एक प्याज का टुकड़ा डालेंगे और थोड़ी बहुत चटनी, ग्रीन चटनी है, एंड इसे तब तक मिक्स करना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। देख सकते हो पूरी तरह से गाढ़ा हो चुका है एंड अब मैं इसे एक बाउल में निकालने वाला हूँ। सो हमने इसे बाउल में निकाल लिया है। सो गाइज, अब हमें एक तवे पे थोड़ा सा नमक डाल के उस पर एक स्टैंड रखना है एंड उसको थोड़ी देर गर्म करने के लिए रखना है। तब तक हमें इस डो को पिज्ज़ा बेस में कन्वर्ट करना है। सो चलिए करते हैं। इसे अच्छी तरह से राउंड शेप में लेना है और इसके एजेस को ऊपर की तरफ करना है और इसमें थोड़े छेद करने हैं ताकि ये फूले ना। अब हम रेड सॉस बनाने के लिए थोड़ा सा शेजवान चटनी ले रहे हैं और इसमें 1 चम्मच तीखी मिर्च डाल के उसे मिक्स करने वाले और इसे बाजू में रख देते हैं। ये पूरी तरह से बन चुका है। तवा गर्म होने तक हम थोड़ा घूम के आते हैं। ये है मेरे 2 YouTube चैनल। अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो ड्यूड, और 14 डेज 14 ब्लॉग्स के चैलेंज के वीडियोज देखते रहो। लॉकडाउन में घर बैठो और सेफ एंड सिक्योर रहो। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो यहाँ पर लिंक है इंस्टाग्राम पे, अभी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर मेरे 26K फॉलोअर्स है। सो गाइस, अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो एंड अभी तक आपने जो मुझे प्यार दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो गाइस, हमारा तवा पूरी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम पिज्जा बेस के एजेस को ऑयल अप्लाई करके उसे पैन में रखने वाले एंड हमने पैन को भी ऑयल अप्लाई किया हुआ है। सो अब हम इसमें पिज्ज़ा बेस रखेंगे एंड इसे बेक होने के लिए कुछ देर तक इसमें रखेंगे। आप इसे बार बार चेक करते रहना एंड देखने, हमारा पिज्ज़ा बेस रेडी हो चुका है। इसे देख लो अच्छी तरह से, पूरा लाल हो चुका है एंड क्रिस्पी दिख। सो गाइस, हमने प्याज, टमाटर और पुदीना अच्छी तरह से काट लिया है। हमारे पास रेड सॉस और वाइट सॉस दोनों भी है। सो अब हम इस पर चीज़ अप्लाई करने वाले हैं, पिज्ज़ा बेस पे पूरी तरह से स्प्रेड करने वाले हैं एंड इस पर रेड सॉस अप्लाई करने के बाद उस पर वाइट सॉस अप्लाई करेंगे एंड उसके बाद उस पर थोड़ा सा प्याज डालेंगे, थोड़ा सा टमाटर डालेंगे एंड थोड़ा सा पुदीना डालेंगे ताकि हमारा पिज्ज़ा रंग बिरंगी दिखे। सो गाइज, अब हम इस पर चीज़ डाल के थोड़ा सा इस पर स्प्रेड करके इस पर पिज्ज़ा बेस रखेंगे एंड इसे ढक देंगे 5-10 मिनट के लिए। आप इसे चेक करते रहना, तब तक मैं चाय पी लेता हूँ। सो गाइज, हमारा पिज्ज़ा बन चुका है, इसके सिनेमेटिक शॉट्स देखते हैं, चलिए। सो गाइज, मैं इसे खाने के लिए बहुत एक्साइट हूँ, मैं फर्स्ट टाइम है एंड दिखने में तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। सो इसे टेस्ट करके देखता हूँ। वाओ, क्या दिख रहा है यार। सो गाइज, मैंने तो पूरा ख़त्म कर दिया, एकदम क्रिस्पी एंड टेस्टी लग रहा है।